खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। नरवाना से आ रही है जहां पर हरियाणा ग्रामीण बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम तोड़कर 4,44,702 रुपए की चोरी हुई है। बड़ी खबर से फिलहाल रूबरू करवा रहे हैं आपको। चोर सीसीटीवी का डीवीआर बॉक्स भी साथ में लेकर गए हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम और नरवाना सिटी पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नरवाना पटियाला मार्ग पर लघु सचिवालय के सामने बैंक है जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। करीब 4,44,702 रुपए की चोरी की गई है और चोर काफी ज्यादा शातिर थे। सीसीटीवी का बॉक्स भी यहां पर लेकर फरार हो चुके हैं। तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके मेरे सहयोगी गुलशन चावला। गुलशन, मामले की पूरी जानकारी दे। जी गौरवशी, बिल्कुल नरवाना के अंदर नेशनल हाईवे पर बैंक स्थित है हरियाणा ग्रामीण बैंक, उसके अंदर छापी चोर आए थे जो रात के अंधेरे के अंदर बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर, पहले बैंक के गेट का ताला तोड़कर 4,44,000 रुपए चुरा कर ली गए हैं उसके अंदर। और बैंक अधिकारी को उस घटना की सूचना सुबह मिली तो उनके होश उड़ गए कि किस तरह इस वारदात को लिया। जब उन्होंने सीसी फुटेज संभालने की कोशिश की तो सीसी फुटेज का जो डीवीआर है जिसके अंदर पूरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाती है उसको भी साथ में चुरा कर ले गए। और कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत शातिर थे कि जो स्ट्रॉन्ग रूम का ताला होता है वो कोई आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। और उनको पहले भी किस तरह की जानकारी थी कहीं ना कहीं कि डीवीआर कहाँ रखा हुआ है और पूरी स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है और किस प्रकार उनका ताला तोड़ना, खिड़की का ताला तोड़कर जो वारदात को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं चोरों को पहले से ही पूरी जानकारी थी। और सूचना मिलते ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पीएसपी नरवाना मौके पर पहुंचे और जांच में गए हैं। और इससे पहले भी जो अपराधी है चोर है उन्होंने कई बैंकों के एटीएम को चुराने का प्रयास किया था लेकिन इसमें असफल रहे थे। लेकिन शनिवार रात और इतवार रात के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस की गहन जांच कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए गुलशन। अगली बड़ी खबर का करेंगे दिल्ली से आ रही है जहां पर लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास हो गया है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बिल के समर्थन में 293 वोट पड़े हैं, वहीं बिल के विरोध में 82 सदस्यों ने ही यहां पर वोट किया है। मतदान में 375 सांसदों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था जिसमें कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया था। कांग्रेस ने बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया था। वहीं बिल पेश करने पर लोकसभा में बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे का हालांकि गृहमंत्री अमित शाह जवाब देते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि हम हर सवाल का जवाब देंगे और विपक्ष को भी पूरा मौका देंगे। अमित शाह ने साफ किया कि बिल कहीं से भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। तो कह सकते हैं कि बिल को यहां पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। वहीं अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बिल पूरी तरीके से उनके समर्थन में है। कहीं से भी कोई भी उनका कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ में हो। 82 सदस्यों ने यहां पर वोट दिया था विरोध में।